साल में 20,000 रेप हुआ है, उसमें 1,100 गैंग रेप हुआ है। वहाँ बीजेपी का सरकार है, क्या कर रहे हैं? शर्म आना है इन लोग को। सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, इनका जो भी मंत्रिमंडल, निर्मला सीतारमण, ऐसे केस में, अरे केस में या जो ऐसी शर्मनाक हरकतें होती है, क्या लगता है इसमें किसी पार्टी को गलत ठहराना सही होता है? नहीं, पहले कभी इतना हुआ नहीं है, क्यों हो रहा है? सबसे ज़्यादा आप देखो, बीजेपी का खुद उसका नेता, उनका कार्यकर्ता, उनका MLA, MP खुद है। उन्नाव में कौन है? बीजेपी का MLA है। हाँ, बिहार में कौन है? मध्य प्रदेश में कौन है? हिमाचल में कौन है? सब वहाँ का बीजेपी का कार्यकर्ता, उनका नेता लगे है। इसका इन लोग को वो नारा भी दिया था इन लोग ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। नारा बदलना है इन लोग को, बेटी पढ़ाओ बेटी को बीजेपी के लीडर से बचाओ, नारा बदलना है। एक आखिरी क्वेश्चन, जिस तरह से लखनऊ एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही बस लोगों की जान, बहुत दुखी खबर है जो भी हुआ है। सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी जो मौत हुआ है उन परिवार के इमीडिएट आइडेंटिफाई करके उनके साथ खड़े होने का काम उन लोग करना है। इस सरकार ने आम आदमी के लिए कभी खड़ा नहीं है। जय श्री राम बोलने से किसी का पेट नहीं भरेगा, इन लोग को समझना है। उत्तर प्रदेश में